से बलखन के मारी रहसे या खस बोई चढ़ क्या कहा चमन छोरा पावर तो बनने अनेक लिए जमन पत्थर पे टेक लिए और त्रे फेरे ऊपर देख ले वो बलतिया गवन की ब्याह करवा दू मेरी बेटी गई चमन की बेटी तो जवान होगी आप मेरी शादी करोगी हाँ क्यों नहीं बेटी आप नौजवान हो चुकी है इसलिए हमें चिंता ही है रोज का चोरी होगी जवान और अपने गेड़ा में दे दे और ठीक है ना बेटी अच्छा एक काम करो ना क्या आप मेरे लिए जरा खाना लगाओ मैं अपनी एक सहेली के पास बेटी जल्दी आना आपके लिए खाना तैयार पाऊंगा आ जाए तुम रखना सर करते तो मेरे सज्जन साहबान लीलो डाक की खुशी मान के चमन के पास आती है शाबाश मेरी चमन जय जय तो आप तो बहुत खुश हो रहे थे हाँ जनाब हम बड़े बड़े खुश हैं कोई खुशी की बात है खुशी बात है और वही खुशी की बात आज तो तेरा चेहरा कुछ मत बात कर रहा क्या बोलो है ना वही खुशी की बात सात चमन जाने लाज का खुशी मलहारी से अरे मन बनो अरे खातर झूठी
तो पार मिलारी से हमने रोक सर आने के पेरते लेना जब दिल में और पक्की फेर ले वो मैं तेरी पैरू दियो तू मेरी गुठी पैर ले तू तो मने बनोवन अरे खातर जूठी ये तो बात मिलारी से आपस में अपने झाड़ फूक फेरे कर लिए। अब एक दिन मेरे साहिबान चमन अपने बाप से फीस मांगता है और जो देश शादी था और शराब तीती कर घर का सौदा तमाम बर्बाद बना दिया था। चमन अपने बाप के पास फीस मांगता है और देव ठेके पे पहुंचता है। आगे क्या होगा मेरे साहिबान सुनिए। अरे ओ ठेकेदार, क्या मतलब है? हमने बोल के जिस टाइम मैं आपके ठेके पे आऊं बोतल लेके खड़े हो जाए अगरो पास में पैसा नहीं बात ही नहीं करते हो। आज मेरे पास पैसे नहीं है। 27 रुपए नौ ने आपके पिछले बिल में बाकी है। अरे क्या जिक्रा करता है 27 रुपए नौ आने क्या जिक्रा करता है और रखता नहीं। आज मेरे पास पैसे नहीं है। क्या है आज मेरे दो रहे चूड़ी है। ये चूड़ी किसकी है? या मेरी माँ की है। एक तो पहले दे गया था तेरे तीन अरे एक यार रही थी यार चूड़ी पर ओ साढ़े मरा बाबू जीण लाग रहे
देखो इसके कुल 50 रुपए लगेंगे। अरे 500 रुपए का जोड़ा बना था, 50 रुपए कमाल करे, 2 रुपए कम लगा लो आप। नहीं और 50 रुपए मिलेंगे, अंदर बिठा के किसी की जेब काट ले। ठहरो बदमाश, चोरी का माल बेचता है, हमारी ईमानदारी पूछता है। चलो यार तू बोतल ले, क्या घर से निकल रहे, जाओ और क्या लो जाओ। अरे काम करना, ठेके से बाहर पीना। ठीक है। अरे इसमें सुआ तो नहीं लगा रखा? अरे सुआ नहीं है। अच्छा हाँ, तड़का ही सैंपल भरवा दूंगा तेरा, ये बिल्कुल असली चीज मिलेगी मेरे पास। अच्छा ठेके से बाहर पियो जाओ। अच्छा चलो चलो ठीक है। ले भाई मेरे दोस्तों, मेरे ढबियों, मेरे फ्रेंडों, आपको नशे के बारे में 2-4 बातें बताता हूं। भाई सुल्फा पीने से क्या नफा, खांसी उठे तो जोरू खफा, खुल खुल खुल, कोई खास नशा नहीं, घराली भी परेशान हो जाहिर हो, बेरा ना कद सीख मरेगा, रांझ नहीं कटेगी। और भाई भंग पीने से क्या नफा, लगे दस्त तो पेट सफा, और दारू पीने से क्या नफा, जूता लगे तो टाट सफा। क्या बात हो गई भाई, तुम ठेके से बाहर पियो जाओ, बकवास मत करो, यहाँ आ जाते हैं घर से। आप पिताजी राम राम। आइए मेरे चमन, कल से आगे आइए, खाना खाइए। खाना तो मैं फिर खा लूंगा पिताजी। बोलिए। मेरे को मास्टर लोग तंग करते हैं। अच्छा मेरे को फीस चाहिए। फीस अभी? ठीक है आप यहाँ खड़े हो, मैं घर से फीस लेता हूँ। मेरे सज्जन साहिबान, तेज शराबी ने कोई भी घर में ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कि उसने बूढ़ा बेचकर फीस दे दे। उसकी माँ की एक सोने की चूड़ी थी, बाबे गिरवे रखा, यानी ठेके बेच आया, घर में कोई पैसा नहीं रहा, और बूढ़ा आदमी ना मेहनत कर सकता है ना मजदूरी कर सकता है। शाबाश चिमनी आइए। वो मैंने वो आपकी चूड़ी बनवाई थी सोने की। हाँ 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 जी, वो चूड़ी मेरे को दे दो, उसको गिरवा रखा है, मैं चिमन बाबू को फीस दे दूंगा। ऐसी नौबत आ गई है कि चूड़ी गिरवा रखनी पड़ेगी। जी हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ साहब। चाहिए साहब जी। वो चूड़ी तो मैंने नहीं मिली। क्यों कहाँ गई? मैंने अलमारी में रखी थी। अलमारी एक बार खुले एक बंद। अलमारी तो खुली थी आपकी, 24 घंटे अलमारी जो खुली रखती हो ना, ये तभी नुकसान होता है घर में साहब जी। हाँ हाँ देखो, मैंने डर लगता है कि आपका बड़ा लड़का देव है, उठा के ले गया उसको। ये देव हाँ। तेरे को ऐसा नाम रखा है हाँ। जो घर का सित्ता नाश कर दिया, और भी घर की मट्टी पलीत करेगा। ये इसमें मेरा क्या दोष है? और मेरा दोष है आपका ये? चलो हाँ गूंद के बेले आप खाओ, थी दोष मेरा बताओ। आपको कल फीस मिलेगी। चलो कल मैं आज में कोई फिक्र नहीं। जाइए मेरे साहिबान, चमन का बाप सोचता है तू बुढ़ा आदमी ना मजदूरी कर सकता, ना मेहनत कर सकता, ना मांग सकता, के कर सकता है लड़का जरूर पढ़ाना, ये विचार में जाग गया और सारा कुंबा सो जाता है, और चमन भी शाना था भी जागे। तो मेरे साहिबान बुढ़े के विचार में क्या आया कि तू चोरी कर ले, चोरी करके किसे की और अपने बेटे की फीस दे दी, ये विचार उसके मन में जाग गया। तो सारा कुंडा सो जाता है और चमन चाकता था, बूढ़ा उठ कर चला चोरी करने के लिए, गले चमन भी हो गया। और बेल श्राद्धी ने यह हालत कर दी। अरे 12 बज गए अधिके
उठ चला आधी रात उठ चला आराम के होगा। अरे चोरी के सवा रात में और काम के होगा। किसे ने तो क्या चोर सवा और नाम के होगा। जब पकड़ा गया पाड़ पे बिरंत जान के होगा। वही सौ दिन चोर के एक दिन साका। सौ दिन चोर के एक दिन साका। उसका चोरी करनी फलाने सेठ का जो दिल में तक रखी थी जवा वो चोर ना आई। एक खुला दरवाजा मिला बनन की रोशन में सली। और चमन करा अफसोस पिता की देख देख काटी। और अभी त्रिपड़ का बुढ़ा थेली माया की खाली। जगरु ही डरा बुढ़ा। जगरु ही डरा बुढ़ा। एक तो मेरे साहबान एक सेठ की थैली काट का है। चमन का बाप भाज लिया। मोहल्ला जाग जाता है। घराने जाग जाते हैं। शोर मच जाता है। पुलिस का जोर हो जाता है। सवाल पकड़ो चोर गया चोर। अपने बाप की इज्जत खातर मुकदमा तू अपने कर डाटा। चोर तो भाग गए। आप तो नहीं भागे। जब पड़ जा विपत पिता पे। जब पड़ जा विपत पिता पे पुत्र पे के खड़ा रहा जासे। जब सिर पे चढ़ गई पुलिस के वे बहुत भया जाते। मैं क्यों कर करूं बयान। मैं क्यों कर करूं बयान। शर्म में गात गया जास है। जिसका मुद्दा बाजा पास में ओएरा चोर कहा जास है। कदर पत्संग समर जमुआ रे। कदर पत्संग समर जमुआ। गुरु का ने रखवाला
आपका नाम? मेरा नाम चमन है। अच्छा चमन बाबू, दिन में पढ़ते हो रात को डाके डालते हो। हाँ सर। सब मालूम हो जाएगा, चलो। कहाँ चलो? हवालात। हवालात में मेरा क्या करोगे? तेरा दूसरे दिखा गए तो मैं अगले का गाल दूंगा। क्या करना था? रात रात हवालात सुबह स्टेशन के यहाँ पेश कर देंगे। अच्छा। 2000